अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये आज बच्चों को छुट्टी है, मायमा को मैं सुबह से स्कूल भेजा और ये वापस आ गए। काफ़ी बच्चे वापस आ रहे थे स्कूलों से, लेकिन ये स्कूलों वालों की ड्यूटी होनी चाहिए कि जाहिर सी बात है जब बच्चे स्कूल में पढ़ते थे आपको एक मैसेज तो कम अज़ कम ग्रुप में देना चाहिए ना कि भाई बच्चों की छुट्टी का प्लान बन गया है या ऐसा कोई सीन है या वैसा कोई सीन है। लेकिन नहीं जी, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है सबका, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी को। हालांकि सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। वेट बेटा, ये मैं सैंडविचेस बना रही हूँ। आज रूम का दरवाज़ा बंद था तो मैं एक बज गया छोटे छोटे, मैं एक बजे उठे और ना फिर ना मुझे फटाफट हो रहा है कि मैं नाश्ता करें, नहा धो ले तो फिर ये ना किसने जाना है वो पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बस मुझे ये हो रहा है कि छोटे रूप में नहा ले ताकि फिर जो है ना कोई नुकसान हो। बस ठीक है, इसके अंदर हम ना इसके अंदर ना ब्लू कलर कर देंगे और इसको सर ब्लैक कर देंगे, लेकिन छोटी सी जगह ना इसको छोटी सी जगह को ना इतनी सी जगह को ना हमने छोड़ देना। ये देखिए इतनी सी जगह को हमने छोड़ देना है और इसके अंदर हमने ब्लैक कलर कर देना है, फिर इसके अंदर येलो, फिर इसके अंदर ब्लू, इसके अंदर रेड। आपको पता है रस्ते लड़कों को मारा है, ये किया है, वो किया है, सारा कुछ किया है। आप ऊपर गई क्या है? अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपके लिए लाए हैं एक यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी। ठीक है, ये हमने बैंगन ले लिए हैं, ठीक है, आधा किलो। ठीक है, उसके बाद ये हमने एक प्याली ले लिया है और ये सारे मसाले मैंने निकाल के रख दिए, मैं इसमें ऐड करूँगी और फिर आपको बताऊँगी। और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। पहले हम इसमें बैंगन को फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसका मसाला बनाएँगे और फिर इसको करेंगे रेडी। ठीक है, और ये काफ़ी मज़े के बनेंगे। मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, और ये देखें अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी का। ठीक है, आधा चम्मच हल्दी का डाल दिया हमने। आधा चम्मच हमने मिर्चों का डाल दिया। ठीक है, और आधा चम्मच ही जो सा है हमने जीरा पाउडर डालना है। ठीक है, और ये कुटा हुआ धनिया है, ये हमने एक आधा डालना है। ठीक है, नमक हंसते जायका होता है हमेशा से। ठीक है, अगर आपको तेज़ पसंद है तेज़ खा सकते हैं, नॉर्मल पसंद है नॉर्मल, कम खा सकते हैं कम। ठीक है, मैंने इसमें आधे से थोड़ा डाला है नमक का चम्मच। ठीक है, और अब हम बैंगन को हम लंबाई का रुख काटेंगे। मैंने काटते ही देखा कि ये कीड़ा लगा हुआ है बैंगन को। ठीक है, तो ये हमारा बैंगन वेस्ट हो जाएगा। इस तरह हम काट लेंगे। ठीक है, और डंडी समेत हमने काटना है, लेकिन ये आपको नज़र आ रहा है क्या खोखला खोखला सा हो गया, ये इस वजह से हो गया क्योंकि तीनों बैंगन में कीड़े लगे हुए थे, तो वो मैंने कीड़े वाला हिस्सा
जो है वो जो पार्ट है वो मैंने वेस्ट कर दिया, तो अब ये बैंगन बचे हैं, अब इस पर हम कट लगाएंगे, ठीक है, और इसका मसाला कोट करेंगे। और इस तरह काटने का मकसद ये है कि बैंगन में कीड़ा लगा हो तो हमें पता चल जाए। ये देखिए हमने कट लगा दिए, ठीक है, इस तरह करके मैं इसको कट लगा देंगे। ये ना इस तरह क्यूब्स की शक्ल में हमने काट लेना, आप देख सकते हो और कितना अच्छा लग रहा है ये क्यूब्स की शक्ल में कटा हुआ, ठीक है। अब ये मसाला जो सा है ये हमने इसके अंदर कोट करना है, ठीक है, ताकि ये रच जाए इसके अंदर, ठीक है, जो थोड़ा बहुत हमने मुझे किया हुआ, ठीक है, और ये हम हाथ की मदद से करेंगे, ठीक है, ठीक है। मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, फिर मैं इसको अच्छी तरह से फुला देती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीनों बैंगन्स पे कीड़े लगे हुए थे, जो कीड़े वाला पार्ट था वो मैंने सारा वेस्ट कर दिया। मतलब ये ना एक ये बड़ा धोखा हो जाता है सब्ज़ी के साथ ना, कि आपको ख़राब सब्ज़ी कोई दे दे तो बड़ा मसला हो जाता है। ठीक है, ये हमारा सारा मसाला हो गया खत्म, अब हम इसको अच्छी तरह से कर देंगे कोट। ये मैंने सारे अच्छी तरह इसको खोल खोल के ना तो अंदर तक इसको मसाला की कोट कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे रेडी हो गए। अब ये भी कर सकते हैं कि इसको फ्राई करके तो रायते के साथ सर्व करके खाएं, बहुत मज़े के लगेंगे। और लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, हमने इसका मसाला बनाना है, इसको पहले फ्राई करना है फिर इसके बाद इसका मसाला बनाना है, ठीक है। और ये काफ़ी मज़े के बनते हैं, इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा आप भी। जो बैंगन के बैंगन बहुत पसंद करते हैं ना, जिनको बैंगन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो ये रेसिपियाँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैं तवा ले लिया है, इसमें हम एक से दो चम्मच जो है वो ऑयल के डालेंगे, ठीक है। अब हमने बैंगन का मैं बता दिया कि हमने कौन सा हिस्सा नीचे की तरफ रखना है, कौन सा ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। ये जो हिस्सा है हमने ये हमने जितने बैंगन बनाए थे मैंने उतने कट करके मसाला लगा दिया। अब हम इसको फ्राई करने का टाइम आ गया, तो अब ये हमने ऑयल डाला है और मसाले वाली साइड जो हम ऊपर रखेंगे और इसको इस तरह करके हम फ्राई कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। ये फ्राई करने के लिए हमने रख दिए, ओके। ठीक है, जब फ्राई होंगे मैंने आँच आस्ता कर दी हुई है, ये सारे हमने इस तरतीब से रख दिए हैं। अब इसको हमने कवर नहीं करना, कवर के बगैर हमने 3 से 4 मिनट तक इसको एक साइड पकाना, फिर हमने दूसरी साइड टर्न करनी है इसकी। ये एक साइड कुक हो गई है, ठीक है, 2 से 3 मिनट हो गए। अब हमने ये मसाले वाली साइड जो है इधर टर्न कर देनी है और हमने इसको पूरा नहीं पकाना, ठीक है, इसको हमने थोड़ा ही पकाना है, ठीक है। इस तरह करके हम मसाले वाली साइड जो है इसको टर्न कर देंगे और ये हमारे फिर कुक हो जाएंगे। ये 3 से 4 मिनट हमने इसको भी कुक करना है और फिर हम इसको उतार लेंगे। और इसके मसाले के लिए जो सा है मैंने प्याज ग्राइंड कर लिया, एक नॉर्मल साइज का प्याज एक मैंने ग्राइंड कर लिया, ठीक है। बैंगन हमारे दोनों साइड से कुक हो गए हैं, अब हम ये फ्राई पैन ले लिया, हम इसमें ऑयल डालेंगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी क्योंकि हमारे आधा किलो बैंगन थे, जो बैंगन आधा किलो भी नहीं रहे, ठीक है। ये ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे, ठीक है, ज़ीरा हमने आधा चम्मच ज़ीरा डाल दिया, हो गया। अब हम इसे प्याज डाल देंगे, ठीक है, प्याज डाल दिए। हमने बैंगन की ग्रेवी बनानी है, इस वजह से हमें थोड़ा सा इसको फ्राई करना है क्योंकि इसका कच्चापन भी चला जाए प्याज का और प्याज को ब्राउन कलर भी आ जाए, ठीक है। इसलिए ग्रेवी के लिए हमने प्याज को ग्राइंड कर लिया है, ठीक है। हमारा प्याज ब्राउन हो गया, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, ठीक है। हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, ठीक है।
अब हम इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे। तो लहसुन अदरक की चैन भी होती है, इसको स्मेल को ख़त्म करना होता है। साथ ही हम इसमें जो है मिर्ची ऐड कर देंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें भी मसाले, उसमें मसाले, तो मसाले को हमने फीका नहीं रखना, ठीक है। इसलिए आधा चम्मच हमने उसमें मिर्ची डाल दी, ठीक है। आधे से थोड़ा चम्मच हमने नमक का ऐड कर दिया। व्यंजनों में आपको पता है नमक थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, इस वजह से आधा चम्मच हमने नमक का ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। साथ हम थोड़ा सा मसाला पानी भी डाल देंगे, टमाटर का पेस्ट, मसाला डाले ना, ठीक है। और इसके साथ ही हम इसमें हल्दी भी ऐड कर देंगे आधा चम्मच, ठीक है। हल्दी डाल दी, इसके बाद हमें इसमें पिसा धनिया डाल दिया और बस हमारा मसाला अब रेडी हो गया। तो पानी हमने डाल दिया आपके सामने, इसमें टमाटर का जो पानी है वो कुशक हो जाएगा तो हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। ये मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, ठीक है। और अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारा मसाला रेडी हो जाए, ठीक है। चलो, पहले जो हमने मसाले डाले थे वो बैंगन को टेस्ट देने के लिए थे, और जब अब हमने मसाले डाले वो ग्रेवी को टेस्ट देने के लिए हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए कि ये फीकी तो नहीं ना हम बना सकते, क्योंकि फिर वो टेस्ट, वो मज़ा ही नहीं आएगा। और जाहिर सी बात है हम लाहौरी हैं और हम तो टेस्ट मांगते हैं, ठीक है। और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा क्योंकि हर सब्ज़ी में ताकत होती है, ठीक है। बच्चों को सब्ज़ी की आदत ज़रूर डालें। और ये हमारा मसाला पकना शुरू हो गया, बस ये थोड़ा सा पक जाएगा टमाटर, ठीक है, खुशक हो जाएंगे। तो फिर हम जो है इसमें ग्रेवी के लिए 1 कप पानी मैं डालूंगी, मैं इसे ज़्यादा नहीं डालूंगी। आप अगर ग्रेवी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अदरक का कच्चापन हमने ख़त्म कर दिया था, आपको पता है इसीलिए खाना मज़े का बनता है क्योंकि हम लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म कर देते हैं। और इसके बाद फिर हमने टमाटर मसाले डाल दिए थे, मसालों को भी थोड़ा सा भून लिया था ताकि मिर्चें कच्ची ना रहें। उसके बाद हमने ये टमाटर का कर दिया, ये टमाटर आप देख सकते हैं पानी अपना छोड़े हैं और ये बिल्कुल खुशक हो रहा है, ठीक है। हमारा मसाला रेडी हो रहा है। अच्छा, टमाटर हमने तब तक पकाने जब तक ऑयल अलहदा ना हो जाए और टमाटर खुशक ना हो जाए। इस मसाले को भून लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। ये हमारा मसाला जो है भुना गया, ठीक है, आपके सामने, ठीक है। अब हम इसमें जितना आपने ग्रेवी रखनी है आप उतना पानी डाल दीजिएगा। मैंने 1 कप रखनी है ग्रेवी, इसी में 1 कप ही पानी डाल रही हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हमारी ग्रेवी रख दी गई है। अब हमने हाई फ्लेम किया था कि थोड़ा सा उबाल आ जाए, इसको थोड़ा सा पक जाए। उसके बाद हम इसमें अब लो कर दिए हमने, ठीक है, मीडियम। और अब हम इसमें बैंगन डाल रहे हैं, मसाले जो है ऊपर ऊपर की तरफ रखेंगे, हमने सारे बैंगन इसमें ऐड कर देने की करके कर दिए, ठीक है। और हमने बिल्कुल हल्की सी आंच कर दी है, अब ये हल्की सी आंच पे पक जाएंगे। 2 से 3 मिनट इधर पकेंगे, 2 से 3 मिनट हम साइड चेंज करके दोबारा पका लेंगे। ये हम ढक के पका रहे हैं इसको, ठीक है, और मैंने इसके साइड चेंज कर दिए, ठीक है। और अब 2-3 मिनट हम इसको दोबारा पकाएंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और ये हम ढक देंगे। ये देखिए, अब हमारी ये साइड भी पक चुकी है, अब हम साइड भी चेंज कर देंगे बैंगन की, ठीक है। बैंगन ने अपना पानी भी छोड़ दिया तो मसाला ज़्यादा हो गया, ठीक है। और अब हम इसमें हरी मिर्ची और धनिया डाल देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे मज़े के लग रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको तो शेयर कर रही हूँ इसकी वीडियो, कि आप भी जरूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मैं बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।